हरदोई के मल्लामा कोतवाली इलाके के एक गांव में सो रही युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ तमंचे के बल पर गांव के ही एक युवक ने रेप किया है। पुलिस ने मामले में छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। हालांकि पीड़िता की चाची का आरोप है कि रेप के आरोप से बचने के लिए आरोपियों ने ही हल्का सिपाही से मिलकर खुद के खिलाफ पीड़िता की ओर से छेड़छाड़ की तहरीर दी है और पुलिस ने आरोपी की तहरीर पर सिर्फ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि एसपी ने कहा कि मामले में मेडिकल रिपोर्ट के बाद उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मामला मल्लामा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पीड़िता द्वारा कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया गया है कि माता पिता का निधन हो चुका है और वो अपनी दादी की देखरेख में उनके साथ ही रहती है। बीते 9 सितंबर की रात घर में चारपाई पर सो रही थी, वहीं कुछ दूर पर उसकी दादी भी सो रही थी। देर रात गांव का रहने वाले दो लोग विष्णु लक्ष्मण ने घर में घुसकर उसे दबोच लिया और मुंह में कपड़ा बांध कर दुष्कर्म किया। किसी तरह किशोरी उनके चंगुल से छूटी और शोर मचाया, जिस पर दादी ने ललकारा तो वह लोग तमंचा लहराते हुए जानमाल की धमकी देते हुए भाग गए। गुरुवार को वह परिजनों के साथ खुद के साथ हुए दुष्कर्म की तहरीर लेकर थाने पहुंची तो पुलिस ने आरोपी द्वारा खुद को बचाने के लिए दी गई फर्जी तहरीर पर रेप के बजाय छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़िता जबकि चीख चीख कह रही है कि उसने छेड़छाड़ की कोई तहरीर नहीं दी है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। मामले में पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इस मामले पर एसपी आलोक प्रियदर्शी ने कहा है कि मामले की जांच कराएंगे और मेडिकल के साथ पीड़िता के बयानों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये लोग कौन थे, कहाँ के हैं? भतीजी है और इसके साई की माँ नहीं है, ना पिता है, खत्म हो गए हैं, भाई नहीं है और यह अकेले अपनी दादी के पास में रहती है। इसके साथ में गांव के दो लोग आए, बुरो काम कियो 9 तारीख की रात में और जिनने कियो वही आदमी ने थाने में एप्लीकेशन दे दी और इनने जो एप्लीकेशन दे दी पर मुकदमा नहीं दर्ज हुआ और पुलिस ने पैसा लेके 354 को मुकदमा एक लोग के नाम दर्ज किया और करोन दो लोगों ने घटना और फिर 376 की। क्षेत्र मल्लावा के ग्राम गुनार में एक युवती ने एक युवक पे छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इसके बाबत मुकदमा कायम करके थाने से उसमें जांच की जा रही है, युवक को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया है। सर, पीड़िता का आरोप है कि पैसे लेकर FIR दी गई है। अगर उसका ऐसा आरोप है तो इसकी जांच कर ली जाएगी और यदि वो कुछ और कहना चाहती है अपने विस्तृत आरोपों के बारे में, जो भी वो कहना चाहती है उसका बयान दर्ज करके यदि कोई धाराओं में परिवर्तन करना हो तो। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।